तो आज मैं अपनी गाड़ी की करने वाला हूँ टेस्टिंग। सिलेरियो ZXi BS6 पेट्रोल की माइलेज टेस्टिंग करूँगा कि इसमें कितने किलोमीटर में कितने की एवरेज देगी। और अभी इसमें डलवा रहे हैं हम पेट्रोल, वैसे तो इसका टैंक पूरा फुल है, पर टैंक टू टैंक हम इसको नापेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से इसमें टैंक फुल दोबारा करवाना पड़ेगा। तो अभी इसमें पेट्रोल फिलिंग हो रही है। अपनी गाड़ी में आ चुका है 6.91 लीटर पेट्रोल, जो कि आप देख सकते हैं कितना इसका प्राइस है। और अब चलते हैं ट्रिप मीटर को ज़ीरो करने। तो अब मैं कर रहा हूँ ट्रिप मीटर ज़ीरो, यहाँ हो चुका अपने ट्रिप मीटर ज़ीरो, और देख सकते हैं आप पेट्रोल एकदम फुल है। और जो हम स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, 60 to 80 के बीच में हम स्पीड मेंटेन करेंगे, जिससे हमारी एवरेज अच्छी निकल सकती है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या एवरेज होने वाली है। तो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अपनी गाड़ी चल चुकी है 43 किलोमीटर जब से हमने पेट्रोल करवाया। ट्रिप पे मैंने ज़ीरो कर दी थी और अभी डेस्टिनेशन पे पहुँची नहीं है, पहुँच के बताता हूँ फिर और कितने किलोमीटर इसमें ऐड होंगे। तो अभी चलते हैं। तो गाइस यहाँ से यहाँ मेरे पे एक गलती हो गई कि मैं इसमें मीटर में इसकी सेटिंग चेंज कर रहा था, तो मेरे से ट्रिप मीटर हो गया ज़ीरो। और उससे पहले गाड़ी चल चुकी थी लगभग 46 से 47 किलोमीटर, तो इसके आगे मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे ये ट्रिप मीटर हो चुका है ज़ीरो। अब ये कल जब चलेगी, जब हम कहीं जाएंगे या मैं वापसी अपने घर जाऊँगा, तब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और आपको फिर दिखाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ अब अपने घर। आप देख सकते हैं ये 0 किलोमीटर, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे से गलती हो गई थी। तो अब करता हूँ अपनी लाइट्स ऑन। ये लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, अपनी गाड़ी भी स्टार्ट है और उसके बाद हम चलते हैं। और मेरे ख्याल से 46 किलोमीटर ही चलेगी पेट्रोल पंप तक, क्योंकि आते टाइम भी 46 किलोमीटर ही चली थी। तो वहाँ पे जाके इसमें फिर से पेट्रोल डलवाएंगे और मैं फिर बताता हूँ इसकी क्या एवरेज निकलने वाली है। स्पीड अपनी वही मेंटेन रहेगी 60 to 80 के बीच में। तो चलते हैं। We'll be right back.
तो आ चुके हैं पेट्रोल पंप, अपनी गाड़ी में डल रहा है ये पेट्रोल। सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव लीटर पेट्रोल आया अपनी गाड़ी में। तो अब करते हैं इसको कैलकुलेट कि कितने किलोमीटर में कितने के एवरेज दिए। तो अब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एक साइड से हमारी गाड़ी 46 चली है, तो दोनों साइड को कैलकुलेट करें तो 92 होती है, और 92 को हम डिवाइड करेंगे 6.65 से, जो कि हमारे पेट्रोल की वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हैं ये है कुछ एवरेज 13.8 की, जो कि 14 भी पूरी नहीं आई है इसकी एवरेज। और ये इस वजह से हो सकती है क्योंकि अपनी गाड़ी अभी तक 5000 किलोमीटर भी नहीं चली है, क्योंकि ये पूरी नई गाड़ी है, एक साल ही हुए इसको। और जब ये कम से कम 8 या 10 हज़ार किलोमीटर चलेगी तो मैं इसकी एक टेस्टिंग वीडियो फिर से बनाऊंगा कि उस टाइम ये कितने की एवरेज देगी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।